नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने अभी आपको वो वीडियो बताया, उसमें एक पेटे की किसाई करके और उसके बारे में जानकारी बताई है कि कैसे किसना है, कैसे पेटे किसना है, कैसे पेटे का लेवल बनाना है। उस वीडियो में मैंने आपको एक पेटे की किसाई करके बताई थी और मेरी पूरी किसाई बाकी थी, तो मैंने अभी दूसरा वीडियो बनाया। मैंने कहा अच्छे से सबको पता चल जाए कैसे किसाई करना है, तो वो वीडियो मैंने एक और वीडियो बनाया किसाई करने के बाद। जो पहले वीडियो बनाया था अभी मैंने अपलोड किया है, उसमें सिर्फ जानकारी बताई गई है कैसे किसाई करना है और एक पेटा किसके आपको बताया गया है। उसी प्रकार से जैसे आपको बताया है, उससे पहले किसाई से पहले आपने ये स्टोन देखा था कि कैसे उठे हुए थे पेठे और कैसे इनको किसाई किए, तो आप पेठे बाय पेठे इनको देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने इसकी किसाई की है स्लोली, और आप इनको देख सकते हैं इनका लेवल कैसे किया है, अच्छे से वीडियो में आपको दिख रहा है। ये शाफ्ट वाला पार्ट है जो अपन दाब लगाते हैं उसके हिसाब से चलता है, इसकी हमने घिसाई की है, देख लीजिए आप। नाली भी बिल्कुल लेवल में बनाइए, बिल्कुल हल्की और स्लोली नाली बनाइए, आप देख पा रहे हैं वीडियो में, बताने वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल हल्की और स्लोली, और इनका पेटों का लेवल भी बनाया है, जो ऊपर उठे हुए थे कहाँ से ज़्यादा उठ रहे थे, कैसे उठ रहे थे, उनका लेवल मिला है, आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और ये जगह अपनों ने जो मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में, वो वीडियो भी आप देख पा रहे हैं, देख सकते हैं उसमें कैसे कैसे पेटे उठे हुए थे और मैंने इनको कैसे घिसाई की। तो इन छह नालियों की और पेटों की घिसाई करके ये स्टोन आपके सामने है, बिल्कुल क्वालिटी है। अगर आप इस प्रकार घिसाई करेंगे तो बिल्कुल आपको आटे की क्वालिटी मिलेगी, बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी में आटा मिलेगा, गेहूं के साथ दाने वगैरह आटे के साथ दाने नहीं आएंगे, बिल्कुल फ्रेश आटा आएगा। और इस वाले पार्ट की भी बात करते हैं, तो ये वाला पार्ट भी मैंने इसी तरीके से घिसाई किया है, ये दोनों पार्ट आपके सामने हैं जिनकी घिसाई मैंने अभी की है। वो एक वीडियो बना था, वो घिसाई से पहले का था, उसमें मैंने जानकारी बताई है। बहुत सारे दोस्त मेरे से अक्सर कमेंट करके पूछते हैं कि आप कैसे क्या करते हो, तो घिसाई कैसे करना है, कैसे, तो आप पूरा इसको देख लीजिए। मैंने घिसाई से पहले का वीडियो भी आपको बता दिया है और घिसाई के बाद का भी बता दिया है। तो ये जगह तो अपने को छोड़ना ही छोड़ना है, पर उसकी कंडीशन के हिसाब से कि वो कहाँ से छोड़ना है, कैसे पेटे घिसना है, ये आप देख लीजिए। मैंने इनका कैसे लेवल बनाया है, कैसे नाली बनाई है, कितनी गहरी बनाई है, कैसे बनाई है, वो सब आपके सामने है, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है, वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है, आप देख लीजिए दोनों पार्ट आपके सामने। और इनकी घिसाई करके भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, और घिसाई बहुत ही बढ़िया की है, बिल्कुल आटे की क्वालिटी मिलेगी। आप चाहे तो हम आपको इनको लगाने के बाद लाइव वीडियो बना कर भी आपको क्वालिटी, आटे की क्वालिटी बना सकते हैं। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि सिर्फ घिसाई करते हैं पर आप आटा कैसा आता है वो नहीं बताते हो, तो अगर आप चाहे तो हमें कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल हम आपको लाइव वीडियो भी बता सकते हैं कि हमने घिसाई के बाद किसाई की थी और उसके बाद आटे की क्वालिटी कैसे आई है, तो आपको बिल्कुल लाइव वीडियो में मैं बता सकता हूँ, बस आप कमेंट कीजिएगा। तो इस प्रकार ये दोनों पार्ट आपके सामने हैं और दोनों की किसाई बहुत ही बढ़िया की है, दोनों के पेटे उठे हुए थे जिससे कि चक्की बिल्कुल जाम चल रही थी, एम्पियर ज़्यादा ले रही थी, तो हमने इनकी घिसाई की है, तो अब ये बिल्कुल फ्रेश आटा निकालेगी और आटा भी ठंडा आएगा और एम्पियर कम होगा और यूनिट्स भी कम बनेंगे। इस प्रकार हमने दोनों की घिसाई कर दी है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, काम भी करते हैं और वीडियो भी बनाते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो हमें बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।